नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल #crypto में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक बहुत जानकारी भरी वीडियो के साथ। जिस ये बेसिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो क्रिप्टो करेंसी में अभी अभी आए हैं या फिर अभी वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर एयर ड्रॉप पाना चाहते हैं। तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं कि एयर ड्रॉप क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है किसी भी एयर ड्रॉप्स को ज्वाइन करने के लिए, और आप ये कोई भी एयर ड्रॉप्स जो है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे या आपके तक पहुँचे। क्योंकि मैं इस चैनल में लगभग हर रोज़ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या फ्री में आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे अर्न कर सकते हैं या फ्री में अर्निंग्स के नए नए तरीके के बारे में बताता रहता हूँ, या फिर नए नए फ्री एयर ड्रॉप्स के बारे में बताता हूँ, या फिर किसी नए या पुराना जो टोकन्स है या कॉइन्स है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आप फ्री में कैसे अर्न कर सकते हैं जिससे आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को सीधे ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जैसा हम बताएं कि एयर ड्रॉप्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली एयर ड्रॉप एक कोई भी जो नया टोकन्स या कॉइन्स मार्केट में आता है उसका मार्केटिंग स्टंट है जो कि वो जनरल लोगों तक पहुंचने के लिए कि मार्केट उसमें आपको क्या कोई भी टोकन जब आती है या किसी कंपनी की तरफ से या किसी ग्रुप के तरफ से तो एक छोटे मोटे काम के लिए आपको कुछ एज ए रिवार्ड आपको कुछ आपका जो भी वॉलेट एड्रेस होता है उसमें कुछ अपना करेंसी सेंड करती है। वो जैसे वो छोटा मोटा वर्क होगा या तो आप उसका ट्विटर हैंडल को जो है फॉलो करेंगे, उसका जो पिन पोस्ट होता है वो सब रिट्वीट करेंगे, ये सब चीज़ को लेके वो एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट जो है वो आपके वॉलेट एड्रेस में भेजती है या वो जो आपके वॉलेट एड्रेस में आता है उसको हम एयर ड्रॉप बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो ये तो बेसिकली जनरल भाषा में हो गया कि क्रिप्टो करेंसी में एयर ड्रॉप्स क्या है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है क्रिप्टो करेंसी में एयर ड्रॉप्स ज्वाइन करने के लिए, कि आप कोई भी एयर ड्रॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, वो ज़्यादातर एयर ड्रॉप्स में क्या क्या चीज़ों के लिए बोला जाता है या पूछा जाता है आपसे, तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक आपको ईमेल की आवश्यकता होती है एयर ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए। ये हर एक बार नहीं लेकिन ईमेल की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर वेबसाइट या फिर जो भी उसका वाइट पेपर या जो भी कुछ नए टोकन्स आते हैं उसमें साइन अप करने के लिए एक ईमेल्स की आवश्यकता होगी जो वैलिड ईमेल एड्रेस हो आपके पास। तो आप जो भी ईमेल यूज करना चाहते हैं लाइक जीमेल, याहू या आउटलुक जो यूज करना चाहते हैं वो आप पे प्रीफर करता है, वो आप एक बेसिकली आपका जैसे मैं जीमेल का यूज़ करता हूँ, एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट आता है कि वॉलेट एड्रेस। अभी जैसे कि ट्रेंडिंग में है ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है या फिर कुछ ब्लॉकचेन पे भी अभी जैसे आता है, तो अभी ट्रेंडिंग जो वॉलेट है वॉलेट एड्रेस है वो ट्रस्ट वॉलेट है। ये मल्टी कॉइन्स के लिए ये जो है वॉलेट वर्क करता है। तो अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो इसके बारे में अपडेट किया हुआ है तो आप वहां से देख सकेंगे, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकेंगे। तो ये जो भी है पहला रिक्वायरमेंट हुआ ईमेल आईडी, दूसरा रिक्वायरमेंट हुआ वॉलेट एड्रेस जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फिर मेटामास्क हो गया, ये देख सकते हैं, या फिर आप ब्लॉकचेन का भी जो वॉलेट एड्रेस है वो भी यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में बेसिकली जो इथेरियम ERC-20 जो वॉलेट एड्रेस जो पूछा जाता है जिस एयरड्रॉप में वो काम करेगा, या फिर अभी रिसेंटली ज़्यादातर एयरड्रॉप्स में BEP-20 वॉलेट एड्रेस के बारे में पूछा जाता है या फिर BSC-20 एड्रेस जैसे कि बिनांस स्मार्ट चेन का वॉलेट एड्रेस, तो ये ट्रस्ट वॉलेट में आपको मिलेगा आसानी से, वो भी आपको उस जो वीडियो में बताया उस लिंक में जो मिलेगा वीडियो उसमें सारा कुछ बताया हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मेटामास्क या फिर ब्लॉकचेन ये यूज कर सकते हैं इसका वॉलेट एड्रेस। और इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट होता है एक टेलीग्राम का। बेसिकली ज़्यादातर जो होते हैं एयर ड्रॉप्स होते हैं उनका अपना एक टेलीग्राम चैनल होता है या टेलीग्राम ग्रुप होता है
जहाँ पे आप टेलीग्राम के जो आप यूज़ करते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम सिंपल एक व्हाट्सएप की तरह एप्लीकेशंस है, उससे कुछ ज़्यादा फंक्शंस के साथ में है ये टेलीग्राम। तो आप सिंपल टेलीग्राम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पे और अपने जो मोबाइल नंबर ये सब और नेम इनपुट करके, और सिंपल जैसे व्हाट्सएप में साइन अप करते हैं वैसे आप इसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ आपको रिक्वायरमेंट होता है एक, जो सबसे ज़रूरी है ये किसी भी एयर ड्रॉप को मतलब पाने के लिए, ये ज़रूरी है कि आपके पास एक टेलीग्राम का जो है वो प्रोफाइल हो, टेलीग्राम का आपके पास आईडी हो, जिसमें आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर या लगभग यूँ कहें कि 99.9% जो एयर ड्रॉप्स होते हैं उनका टेलीग्राम पे अपना वो प्रोफाइल होता है, या टेलीग्राम उनका जो उसमें जो हैंडल होता है उसको या तो फॉलो करना होता है, और फॉलो के साथ साथ उनका पिन पोस्ट जो होता है उसको लाइक करना होता है या फिर रीट्वीट करना होता है। तो बेसिकली ये जो चार पांच रिक्वायरमेंट्स है जैसा मैंने बताया, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी एयर ड्रॉप्स को ज्वाइन करने के लिए। अब हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाना चाहेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि उसमें आपको बताया जाएगा कि टेलीग्राम जो है उसमें कैसे, मतलब आप सिंपल ज्वाइन कर सकते हैं, या मतलब किसी भी चैनल को, किसी भी ग्रुप को, या फिर जो आपका, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका ट्विटर है उसका जो प्रोफाइल लिंक होता है वो पूछा जाता है, तो वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से, थोड़ा सा देर के लिए मैं मोबाइल पे बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हूँ, और सबसे पहले मैं ट्विटर को ओपन किया हूँ, ट्विटर एप्लीकेशंस को। तो जब आप ट्विटर जो सिंपल साइन अप कर लेंगे तो और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का होम इंटरफेस होगा। होम इंटरफेस में आप देखेंगे यहाँ के मेनू का ऑप्शन है, जो ये थ्री जो लाइन्स है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे जैसे कि यूजर्स नेम्स वगैरह दिखाएंगे, नेम और यूजर्स नेम, तो ये आपको यहाँ से ये तो बेसिकली इस, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, तो यहाँ जो मेनू का ऑप्शन है इसमें जाएंगे तो आपका नेम, यूज़र्स नेम वगैरह दिखाएगा, नेम, यूज़र नेम, ये सब कुछ यहाँ पे, फिर प्रोफाइल, ये सब का सारा कुछ ये है, फिर सेटिंग्स, प्राइवेसी, ये सब सारा कुछ ऑप्शंस है। अभी इसके बाद आपको जो ट्विटर का प्रोफाइल लिंक है वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं वापस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे आप वापस से क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पे जो नेम वगैरह है, नेम और यूजर्स नेम है, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, तो चलिए मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शंस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन चार ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे शेयर का, सेकंड ड्राफ्ट का, ड्राफ्ट का है, लिस्ट यू आर ऑन और व्यू मूवमेंट्स क्यूआर कोड, ये सारा कुछ। तो जैसे इंस्टाग्राम कुछ लोग यूज़ करते हैं उसमें क्यूआर कोड होता था पहले, यह होता है वैसे सिंपल अब ट्विटर में भी क्यूआर कोड है, बेसिकली हमको इससे मतलब नहीं। अभी ये जो शेयर का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल, ट्विटर का प्रोफाइल लिंक है वो आ जाएगा यहाँ पे, आप उसको शेयर कर सकते हैं या मैसेज से भेज सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं, जैसा करते हैं। तो जैसे हम अभी कॉपी करते हैं, क्लिक करते हैं, तो जब हम शेयर का बटन क्लिक किए तो यहाँ कुछ ढेर सारा ऑप्शंस इस तरह से आ रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या कीप नोट्स, ये सब कर सकते हैं, टेलीग्राम में, जनरल मैसेज में, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ, तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं और फिर उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा जो ट्विटर का प्रोफाइल लिंक है वो है यहाँ पे, वो मैंने व्हाट्सएप बिजनेस से इसको सेंड कर दिया, ये जो नंबर था इस पर, तो ये ट्विटर का जो प्रोफाइल लिंक है वो मेरा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हम टेलीग्राम की तरफ चलते हैं, टेलीग्राम को बताते हैं। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम का होम इंटरफेस है, आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा जो भी है ये सब ग्रुप मैंने ज्वाइन करा है, वो कैसे है क्या है आप खुद जब जैसे आगे करेंगे इन्वॉल्व होंगे तो समझते जाएंगे, या फिर मैं कुछ जो भी आपका क्यूरी होगा वो कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर वहाँ पे दूंगा। जैसे ये वजीर एक्स का एक्सचेंज का ग्रुप है, यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, इस तरह से सबका अपना ग्रुप और चैनल्स होते हैं, वो ज्वाइन करना है। इसके अलावा और क्या है इसमें,
यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि मेनू का ऑप्शन है जो ये जो तीन लाइंस है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र नेम वगैरह जो टेलीग्राम का होगा वो और कुछ सेटिंग्स वगैरह आएंगे यहाँ पे, तो हम देखते हैं उसको। तो उसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ ओपन हुआ, जिसे यहाँ नेम है, यहाँ नंबर हमने हाइड कर दे रखा है, फिर यहाँ ऐड अकाउंट, इसमें आप टेलीग्राम पे जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं वैसे यहाँ पे भी है वो कर सकते हैं, फिर न्यू ग्रुप, चैनल्स, कॉल्स, ये सब सारा कुछ है। नीचे यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, ये क्या है हम सब कुछ दिखाते हैं आपको। और यहाँ जो आपका ये नेम है या फिर ये वाला, दोनों में से क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे हम इसके बाद अगर जो यूज़र्स नेम वगैरह जो भी चाहिए टेलीग्राम का, तो इसमें सेटिंग्स में जाना है। तो सेटिंग्स में चलिए हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ एक ऑप्शन है यूज़र नेम, जो कि आपका जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यूज़र्स नेम है, यहाँ पे बायो, ये सब सारा कुछ है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बेसिकली। तो ये आपसे सारा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली आपको यूज़र नेम पूछा जाता है किसी भी एयर ड्रॉप्स के लिए। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने बता दिया, तो चलिए ये भी हो गया। अब हम आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर और वॉलेट की तरफ देखते हैं। तो ये बेसिकली है दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट का होम स्क्रीन है। ट्रस्ट वॉलेट में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, सारा कुछ, टोकन्स कैसे ऐड करते हैं, ये सब सारा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो आप वहाँ से देख लेंगे। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो जितने एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं रिसेंटली, अभी वो या तो स्मार्ट चेन्स का जो BSC का वॉलेट एड्रेस पूछा जा रहा है उसमें, जैसे कि बिनान्स स्मार्ट चेन, तो ये बिनान्स BSC का जो एड्रेस है वो यहाँ से आपको मिलेगा। ये सिंपल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये जो ये ऑप्शंस है यहाँ पे ये स्विच के लिए, तो इस पे आप करके यहाँ पे जो भी टोकन चाहिए ऐसे कर सकते हैं, या फिर BEP एड्रेस चाहिए तो BEP20 आप इसमें सर्च करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये ऑलरेडी किया हुआ एक्टिवेट, जिसको आपको एड्रेस चाहिए वहाँ पे ये सब सारा जो ऑफ है इसको आप ऑन कर लेंगे, जैसे कि LTC BEP20 चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो जैसे कि बिनेंस का BEP20 चाहिए तो इसमें हम कर देते हैं, यहाँ से आपको आप रिसीव कर सकते हैं जैसा ये एड्रेस है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ देख रहे हैं, तो कॉपी करके जो वॉलेट एड्रेस पूछा जाएगा वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों बेसिकली एड्रेस, इसी में कुछ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में है सारा कुछ। तो ये एप्लीकेशंस वॉलेट एड्रेस के बारे में हो गया। एक और चीज़ है दोस्तों कि बहुत सारा अभी जो इसमें आ रहे हैं जो एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं उसमें आपको क्लेम करने के लिए ना कुछ इसमें फ़ी चाहिए होता है, मतलब फ़ी वो डिडक्ट होता है वो एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए, और कभी कभी तो फ़ी बहुत ज़्यादा होता है हम इंडियंस के लिए, लाइक $5 $10 का फ़ी होगा एक सिंपल सा एयर ड्रॉप के लिए। तो वो इसमें थोड़ा सा ये डिमेरिट्स तो मुझे लगा कि जब आप एयर ड्रॉप्स है उसका जो नेटवर्क फ़ी है उसे क्लेम करने के लिए जो है फ़ी कुछ कभी कभी ज़्यादा लगता है, कभी कभी तो सिंपल 10 सेंट्स या 20 सेंट्स USD डॉलर के सेंट्स में हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा फ़ी ये पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था बेसिकली आज का वीडियो, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करें। अभी भी अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर पर्सनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आंसर करूँगा। तो दोस्तों अब इस कोरोना टाइम में अपना ख्याल रखें और चैनल के साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।